6 फुट कद, गले में लाकट, हाथ में ब्रेसलेट, सर पर पगड़ी और हाथ में छनछन करने वाली लस्सी रगड़ती मदानी, ये है मुगल लस्सी पॉइंट के मालिक अली, जो अपने मुनफरिद अंदाज और स्टाइल के साथ लोगों को लस्सी पिलाते हैं। ये मेरे परदादे की ये पगड़ी, माशाल्लाह हमारी 250-300 लस्सी निकल जाती है। 250-300 ग्लास। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आपको आज एक ऐसी लस्सी टेस्ट करवाने के लिए आया हूँ जो आपने किसी भी जगह से नहीं पी होगी, क्योंकि इस लस्सी में मक्खन, पेड़े और पता नहीं क्या क्या कुछ शामिल करके ये अपने गाहकों को लस्सी पिलाते हैं। और ज़्यादा जो मज़े वाली बात है, आप इनका गेटअप चेक करें कि इन्होंने गोल्ड कलर की यहाँ पर ये एक अल्लाह पाक का नाम पहना हुआ है चेन में डालकर, और साथ ही साथ ये चेक करें भाईजान, ये जो इन्होंने कुल्ला पहनना हुआ ना, जो पगड़ी पहननी हुई है, क्या बात है, ये वरासती पगड़ी है। हाँ जी सर, ये मेरे परदादे की ये पगड़ी। परदादे की पगड़ी है, मतलब वो भी यही काम करते थे। हाँ जी जी। तो आपका मतलब ये वरासती काम चलता आ रहा है। हाँ जी सर। तो वैसे ये एक गिलास कितने का दे रहे हैं? ये गिलास दे रहे हैं स्पेशल खोए के साथ 170 का। हाँ। तो मीठी कौन सी नॉर्मल है, वो 100 का। तो ये मतलब ये क्या गेटअप क्या बनाया हुआ अपना, मतलब बड़ा ये सुल्तानिया लस्सी है क्या? हाँ जी, ये मुगल लस्सी है, ये मुगलियाना लस्सी है, क्या बात, ये मुगलों की लस्सी है। और भाईजान चेक करें, ये इधर को थोड़ा घूमे थोड़ा सा, ये भाईजान ने कान में वॉली भी पहनी हुई है, ऊपर पगड़ी भी पहनी हुई है, हाथों में आप ब्रेसलेट चेक कर सकते हैं। भाईजान ये लस्सी वाला काम और रघु भाई ज़्यादा लग रहा मुझे। और आप चेक करें इस बंदे का, आप तौर तरीका चेक करें और थोड़ा सा इस बंदे का जो गेटअप है उसकी तरफ भी ध्यान दें। अगर मेरा ख्याल है कोई लस्सी मांगने के लिए आता होगा या लेने के लिए, भाईजान एक गिलास लस्सी दें। ओए देना, ओए सबर कर, मतलब अगले बंदे को ऐसे करते हो? नहीं नहीं, गाहकों से बहुत प्यार से बात करते हैं। अच्छा। गाहक आते हैं, इंशाल्लाह उनको अच्छी डील करते हैं हम, ठीक है ना। अच्छा। वो खुश हो गए जाते हैं। लस्सी पानी के साथ बना रहे हो या दूध के साथ, दही मिला के? नहीं सर, बर्फ़ डालते हैं, दही है और दूध, पानी का हमारा टच ही नहीं है। अच्छा जी, क्या बात है। रोजाना की बुनियाद पर कितनी लस्सी बनाते हो? माशाल्लाह हमारी 250-300 लस्सी निकल जाती है। 250-300 ग्लास? हाँ जी। 250-300 ग्लास, मतलब कितने मन दही? कम से कम 2 से 2.5 मन दही निकलता है। 2 से 2.5 मन जो है वो दही ये यहाँ पर सेल करते हैं लस्सी की शक्ल में, जिसमें बर्फ़, दूध और दही मिलाकर। और ये आप चेक करें, ये है मलाई जो कि दही के ऊपर आती है, और ये है खोया, और साथ ही साथ ये बर्फ़ी के पेड़े हैं। हाँ, पेड़े हैं। बर्फ़ी के पेड़े क्यों डालते ऊपर? ये बस गाहक को खुश करने के लिए। मज़ा तो वाला हो जाता। हाँ जी, मज़ा तो वाला हो जाता है भाई जान। और अच्छा, एक और चीज़ बताओ कि ये क्या चीज़ है? बस शोर की वजह से गा पैरी इश्क दे कुंगरू पाके नचे तन मन मेरा, ये वो सीन है। हाँ जी ठीक है। क्या मतलब, हंसी जा रहा है लोगों ने लस्सी पे आई है, मेरा ख्याल आपने बूटी पीती है। हंसी क्यों जा रहा है? वैसे आप बातें ही ऐसी कर रहे हैं तो हंसी आ रही है। लस्सी लैन आने तेरा, तू हंसी जा रहा। कहते पंजाबी की कहावत नहीं, लस्सी लैन आने तेरा, तू हंसी जा रहा। अच्छा, ये बताएं कि अभी रोजाना की बुनियाद पर कितना रश होता है आपके पास? ये तो अभी कम है रश, 12-1 बजे के बाद देखना रश। यहाँ पे दुनिया ऐसी होती है, कैसे फ्री बांट रहा है खाना जिला। अच्छा जी, ठीक है। लस्सी का भी ऐसे सिस्टम है, कैसे मैं फ्री लस्सी बांट रहा हूँ। अच्छा जी, क्या बात है। अच्छा, ये एक और चीज़ बताएं कि ये डेली की बुनियाद पर किस टाइम लगाते हैं, मतलब दुकान की टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है 10 से सुबह सहरी तक, 10 रात 10 से सुबह सहरी तक। और ये रमज़ान में या रमज़ान के बाद? रमज़ान के बाद सुबह 8 से शाम 5 बजे तक। रमज़ान के बाद सुबह 8 से शाम 5 बजे तक। भाईजान, अगर आपने ठंडी मीठी और अच्छी लस्सी पीनी है और तगड़ी लस्सी पीनी है और मुगलों वाली, ये स्पेशल जो ये भाई साहब कह रहे हैं, अगर मुगलों वाली आपने लस्सी पीनी है तो आप गुलबर्ग फेज 2 राजा सेंटर आएँ, और यहाँ पर आके आप इन साहब के हाथों की बनी हुई लस्सी पिएँ और साथ इनकी मज़ेदार किस्म की ये मदानी जो है वो भी देखें, साथ इनका गेटअप देखें और इनके साथ आके सेल्फियाँ बनवाएँ। ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ आपको अपडेट कर रहा हूँ, अपने मेज़बान ज़ैन बाबू को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।